नमस्कार, एंटी ग्रैंड में आपका स्वागत है। मैं करनेल सिंह तहसील चसाना से आपके साथ जुड़ा हूं, जो इलाका डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर पड़ता है। आप काफ़ी दिनों से देखते होंगे, एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसी वीडियो के अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ आज आपसे। मैं चाहत यह रही, जिन लोगों ने हमें वोट देकर जिताया है, हम लोगों ने उनके ही काम करने हैं, बाकी हम किसी के नौकर नहीं हैं। ये तो चैलेंज हुआ ना, ये तो चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए 70 लाख रुपए जो हम एक ही पंचायत में लगा सकते हैं, हमें पूछने वाला कोई है नहीं। या तो जिन लोगों की हम काम करेंगे, जिन्होंने हमें वोट दिया है, हम और बाकी किसी के नौकर नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा? नौकर आप उनके, जिन्होंने पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने आपको वोट दिया आप नौकर उनके हो, क्योंकि आप लोगों ने उनके काम करने हैं। जिन्होंने वोट दिया उनका भी काम करना है, जिन्होंने दिया उनका भी काम करना। आपको तो गरीब पब्लिक ने उठाया जिताया, आज आप उन लोगों को आगे से ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। जिन लोगों ने वोट देकर आपको जिताया, कुछ उम्मीदें रखे आपको जिताया होगा, उनकी भी कुछ उम्मीदें होगी, डेवलपमेंट के बारे में सोचकर उन्होंने आपको जिताया होगा। मैम साहिमा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आगे से आपका फर्ज नहीं बनता ऐसा जो है वर्ड यूज करना उन पब्लिक के ऊपर। ये बात मैं आपसे जो ये मैंने कहा है, ये कहने वाला कौन है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। मैंने लगाई होगी डिमांड, क्यों क्यों तुम जाओ, जो करना है बात सुनिए। मुझे जिन लोगों ने वोट दिए मैंने उनको काम देने, आपने सीखा, मैंने किसी के बाप को नहीं काम देना। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया मैंने उनको काम देना है। क्या बनाया, कोई सरपंच, कोई पंच, कोई जनरल पब्लिक को बिठाकर आपने प्लान बनाया, घर बैठकर आपने प्लान बनाया और सिर्फ असर सुख लोगों का बनाया। सुनो तो ना मेरी बात सुनिए, अगर मैं एक पंचायत में भी 70 लाख लगा सकती ना, तो मुझे कोई नहीं पूछने वाला था। मैं लगा किस खानदान से आप बिलोंग करते हो, मुझे ये बात बताइए। मुझे छोड़िए, मैं जिससे भी करता हूँ। मैं किस खानदान की लड़की हूँ, बात सुनिए। मैं नीच नहीं हूँ आपकी तरह। अगर आपने एक मैसेज किया था ना, मैं कल से आपको देख रही हूँ, कल से नोट। मैं बताती हूँ आपको कि आपको कानून क्या चीज और आप कैसे मानते हैं। 5 साल में आप हक लेके अपने घर में बताना मुझे, ठीक है? जाओ 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 जाओ, मैं डीडीसी हूँ। अब देखती हूँ आप मेरे से काम करवाओ। आपसे बात की, मैं नौकरी नहीं, जो धमकियां दोगे मुझे आप। तू क्या सोचता है कि मैं नायब सरपंच हूँ, अगली बार अपनी बात अपनी पंचायत का सरपंच बनूंगा या एमएलए बनूंगा? इस चीज को बहादुरी नहीं कहते? हक की बात करता हूँ, सच की बात। अपना अपनी पता क्या, मैं आज आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ, अगली बार अपनी पंचायत का पंच बन के दिखाना। चैलेंज कर रही हूँ मैं आज। आप पढ़े लिखे बंदे हो, छोड़िए, मैं अनपढ़ नौजवान हूँ, छोड़िए, मैं आपका मैं जीना हराम कर दूंगी, ये बात याद रख देना। अगर मैं उस खानदान की हुई ना, तुझ पे मैं ऐसा केस करूंगी ना कि तू जिंदगी भर भुगतेगा। ठीक है, करिए, करो करो, थैंक यू। आसिफ शेख और शहनाज के अलावा और कौन से 12 आप दोनों के बिना इस इलाके में और कोई बंदा नहीं जी रहा है? अच्छा, और कोई नहीं आपके खिलाफ बोल रहा? नहीं, कौन बोल रहा? 2 दिन के बाद तुझे मैं बताती हूँ, अब देखते मेरा तेरा खेल कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब इसी बात पे बस आराम कर तू। ठीक है, मैंने जो करना हुआ। तो आप सब ने ये सुना है कि मैम साहिबा क्या फरमा रही है, क्या ये सारी चीजें उनको शोभा देती हैं? क्या इस तरह से एक डीडीसी मेंबर को ये सब कहना चाहिए, वो भी एक डेमोक्रेटिक देश में? क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, बट जो पंचायती राज एक्ट 73rd अमेंडमेंट हुआ था, वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में 8-9 महीने पहले इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें डीडीसी का इलेक्शन हुआ। और डीडीसी इलेक्शन होने के बाद मैम साहिबा यहां से जीती, और जीत कर सबसे पहला प्लान जो था वो 71 लाख का था, वो उन्होंने घर बैठकर सबसे पहले बनाया, और किसी को भी नहीं पूछा कि मैंने किसको क्या काम देना है। हम अगर अपनी बात करें, मलन नाले से इधर 4 पंचायतें पड़ती हैं, और थोड़ा सा हिस्सा मलन से पार पड़ता है, और इन 4 पंचायतों में मैंने जो देखा है उसमें किसी भी गरीब लोगों का कोई काम नहीं।